मंजू जी, ये केचुए वाला जो काम है आप कितने सालों से कर रहे हैं या कितने दिनों से कर रहे हैं? ये काफी सालों से कर रही हूँ जी। और इसकी ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली है? इसकी ट्रेनिंग जी कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा। कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा। अच्छा, तो वो मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं कि जो किसानी से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो इसमें क्या कितना लाभ होता है, कितने दिनों में तैयार हो जाती है ये खाद? इनमें जी ये 50 दिनों तक तैयार हो जाती है जी ये खाद। अच्छा, गोबर इसमें पूरा गोबर डालना पड़ता होगा? हाँ जी। और कितने केचुए डालने पड़ते हैं, इसके कोई पैमाना होता है इसका? हाँ जी, इसमें जी एक बेड की लंबाई एक बेड की 10 फुट लंबाई होती है जी। ओके। और इसमें चौड़ाई कितनी होती है? होती है 2 फुट ऊंचाई रखी जाती है। ओके। और इसमें नीचे पोलोथीन सीट डालकर और उसके सुराख निकाली जाती है जी, उसमें 3-4 इंच कचरा डालकर। ओके। और फिर ठंडा कर गोबर डाली जाती है। हाँ, ताकि वो पानी नीचे चला जाए। हाँ, उसमें साथ से वो पानी नहीं भरती है। ठीक है, कठा नहीं होगा। तो इसमें ये कितने बेड हैं, आपने कितने बेड तैयार किए हुए हैं? मेरे पास 4 बेड है जी। और इन 4 बेडों में इतने दिनों में कितनी खाद तैयार कर ली होंगी आपने? इतने दिनों में जी 2 बेड की खाद तैयार है जी, माड़ी मोटी कमी रह गई इसमें। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतने दिनों में, आप कह रहे हैं कई सालों से हम लोग, तो कितने कितना लाभ हुआ है उसका और कितनी खाद आप तैयार कर चुके हैं अब तक? खाद गणी तैयार कर लीजिए तो। मतलब आपके खेत के लिए पर्याप्त रहती है? कुछ खेत में भी गिर देते हैं, कुछ शहर के किसान भी ले जाते हैं। अच्छा, किसान लेके जाते हैं आपसे? हाँ। या इनमें भी बेचते हैं या कैसे वैसे ही देते हैं? कितने क्या रेट बेचते हो? ये 8 रुपए किलो खाद जी। 8 रुपए किलो बिक जाती है? 500 रुपए किलो केचुए बेचते हैं। ओके, केचुए भी इकट्ठे कर लेते हैं आप? हाँ, कोई भी ले जाते हैं, नहीं जब निकाल के दे देते हैं। ओके, ठीक है।